नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अंडा ब्रेड फ्राई देसी घी के साथ। अगर आप भी बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब की खिदमत में आपका होस्ट फिलहाल खान एक नई रेसिपी एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ है। नए आने वाले हजरात से मेरी एक आजिज़ाना अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दें और साथ में घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। आज हम बनाएंगे अंडे और ब्रेड का आमलेट। जो अंदर से आपने ब्रेड को ऐसे खाली कर लेना है, आपने ब्रेड ले लेना है उसको अंदर से ऐसे खाली कर लेना है, तो इसको आपने खाली कर लेना है और फिर अंडा आपको चाहिए आप इसको बनाएंगे तो आज मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सबसे पहले लेंगे देसी घी। आप देसी घी की जगह दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे गांव का देसी घी है तो हम इसलिए देसी घी इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद हम ब्रेड की जो स्लाइस है जिसको हमने दरमियान से काटा हुआ है उसको इसके ऊपर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रखने के बाद हम जो अंडा है उसको तोड़कर इसमें डाल देंगे और काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ऊपर जो हमने इसको डालेंगे। उसके बाद हस्बे जायका नमक डालेंगे। आपने तवे के नीचे आंच जो है वो आस्ता आस्ता रखनी है, तेज़ आंच नहीं रखनी, नहीं तो ये जल जाएगा ख़राब हो जाएगा। इसको आपने दोनों तरफ से अच्छी तरह पका लेना है। इसके बाद हम दूसरा ब्रेड लेंगे, उसको भी रखेंगे इसके ऊपर घी के, और इसके अंदर भी अंडा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और काली मिर्च का जो पाउडर है उसको डालेंगे और फिर हस्बे जायका नमक एक चुटकी थोड़ी सी। एक बात का ख्याल रखें, आपने आँच जो है वो नीचे थोड़ी कम रखनी है, ज़्यादा आँच नहीं रखनी, नहीं तो ये जल जाएगा। थोड़ा सा आपने देसी घी साइडों पे डाल देना है।
नाजरीन हमारे अंडा ब्रेड देसी घी वाले तैयार हो गए हैं। अब अब्बू जी इनको खाकर टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि इनका कैसा जायका है। अब अब्बू खाकर चेक करके बताएंगे कि कैसा टेस्ट है ब्रेड का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब्बू जी कैसा बना है ब्रेड? बड़ा बेहतरीन बना है, बेहतरीन बना, बड़ा बेहतरीन ब्रेड बना है, मज़ा आ गया खाने में।